In this video lecture, we will solve numerical problems and short answer type questions on one-way slabs, which will be important for competitive examination as well as to get the better understanding of slab analysis. So let's start. So first question, for a simply supported slab of span 5 meter, as per IS 456, what will be the basic value of span to effective depth ratio? Okay, so basic value of span to effective depth ratios are given on clause 23.2.1, page number 37 of IS 456 2000. So is clause ka a part jo bol raha hai ki up to span 10 meter the basic span to depth ratio L by D for a simply supported beam is 20, right? Okay. Now if the span is more than 10 meter, then what will happen? So yahan pe answer 20 hoga L by D. So next question mein jaate hain. AC look, for a simply supported slab of span 20 meter, as per IS 456, what will be the basic value of span to depth ratio? So up to 10 meter, the basic value of span to depth ratios are given on that code, clause 23.2.1. So clause 23.2.1 B of IS 456, 456-2000 says ki the span above 10 meter, 10 मीटर के ऊपर जो स्पैन्स है उनके लिए जो स्पैन टू डेप्थ रेशियोज है बेसिक वैल्यू. सो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब्स एल बाय डी वैल्यू इज गिवन एज 20. एंड इफ द स्पैन इज अबव 10 मीटर, अगर स्पैन 10 मीटर से ज्यादा होगा तो दिस वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय स्पैन. तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 20, दैट मीन्स 10. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एल बाई डी का वैल्यू 10 हुआ है इन प्रीवियस केसेस. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, किसे फॉर एग्जांपल हम लोग दो स्केल लेते हैं, ओके, से एक 15 सेंटीमीटर का स्केल एंड अनदर इज 30 सेंटीमीटर स्केल. यू ऑल हैव द स्केल्स. तो अभी अगर दो स्केल को ऐसे रख के हम लोग लोड देंगे तो ऑब्वियसली यू विल सी द 30 मीटर स्पैन और 30 सेंटीमीटर स्केल विल डिफ्लेक्ट मोर, राइट? इजिली डिफ्लेक्ट होगा एंड दैट विल डिफ्लेक्ट मोर फॉर सेम लोड अप्लाई होने से जो लॉन्गर स्केल है दैट विल डिफ्लेक्ट मोर. सो इस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए वी नीड मोर डेप्थ. सो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे एल बाई डी रेशियो जितना कम होगा, सर 10 है, अगर एल बाई डी रेशियो हम लोग 5 लेंगे, एल तो फिक्स है, सो डी क्या होगा, जितना एल बाई डी रेशियो कम होता जाएगा डेप्थ साइमल्टेनियसली उतना ही बढ़ता जाएगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि अगर स्पैन 10 मीटर से ज्यादा हो गया तो क्यों हम लोगों को 10 बाई स्पैन ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से हम लोग रिड्यूस करते हैं ताकि डेप्थ ज्यादा हो, ताकि जो डिफ्लेक्शन होगा उसे हम लोग कंट्रोल कर पाए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल थिकनेस ऑफ ए स्लैब इज 130 mm, द क्लियर कवर इज गिवेन. सो लिखते जाओ ओवरऑल थिकनेस डी इज गिवेन 130 mm, द क्लियर कवर इज ऑल्सो गिवेन. CC, better write, clear cover is given as 20 mm, diameter of steel is given 10 mm, okay, and a concrete M20, steel Fe500, as per limit state method, the balance moment capacity due to concrete, balance moment capacity due to concrete. So balance moment capacity due to concrete, हम लोग क्या जानते हैं, MU limit is equals to 0.36 XU max by D, 1 minus 0.42 XU max by D, FCK B D square. This formula is given on your code, page number 96. So yahan pe for Fe500 steel, XU max by D ka value hota hai 0.46. ye diya hua hai tum logo ka, ye jo values hai, page number 70 of your IS 456. So if you
put the value of x u by d, so you will get this as 0.133 fck b d square, right? Now हम लोगों के पास 0.133 इंटू एफ सी के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम 25 कॉन्क्रीट है, सो एफ सी के होगा 25, बी कितना होगा, विथ स्लैब के लिए हम लोग एक मीटर ऑफ विथ कंसिडर करते हैं, सो 1000 mm इंटू डी, सो वी नीड द इफेक्टिव डेप्थ हियर, सो हम लोगों का दिया हुआ है ओवरऑल डेप्थ, सो वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ, सो इफेक्टिव डेप्थ विल बी 130 माइनस क्लियर कवर 20 माइनस 5/2, सो 10/2, so that will come as 105 mm, so 105 third square unit hoga newton mm, so if you calculate it you will get 36.66 into 10 to the power 6 newton mm, or you can convert it into kilonewton meter, so 36.66 into 10 to the power 6 तो बढ़ जाएगा 36.66 किलो न्यूटन मीटर, सो दैट इज द बैलेंस मोमेंट कैपेसिटी ड्यू टू कॉन्क्रीट, क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, द ओवरऑल थिकनेस ऑफ ए स्लैब इज 130 mm, द क्लियर कवर इज 20 mm, डायमीटर ऑफ बार इज 10 mm, कॉन्क्रीट एंड स्टील दिया हुआ है, एज पर लिमिट स्टेट मेथड IS 456 द एरिया ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन, ओके, सो एरिया ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, वी कैन सी इज इक्वल्स टू टी करके, सो सी का वैल्यू कंप्रेशन फोर्स, स्लैब क्या है, स्लैब वन वे स्लैब जनरली एक सिंगल रेनफोर्स बीम जैसा एक्ट करेगा, यहाँ पे रेनफोर्समेंट होगा, सो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, ऊपर कॉन्क्रीट है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली, अगर इसका डायरेक्शन इधर देंगे तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, बस वी विल कैलकुलेट देम, वी विल इक्वेट देम, सो सी का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग, कंप्रेशन फोर्स 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्स बिकॉज बैलेंस, राइट, बी इज इक्वल्स टू टी का वैल्यू कितना है 0.87 एफ वाई ए एस टी, टी टेंसाइल फोर्स, the area of steel multiplied by the stress, so 0.87 fy, it is the stress in steel as per limit state method, so yahan se hum logo ko ast ka value mil jayega, so ast will be 0.36 into fck into xu max into b by 0.87 into fy, now put all these values, 0.36 into fck here, m20 concrete, so 20 into xu max, now for Fe415 steel xu max by d is equals to 0.46, now xu max will be 0.46 multiplied by d, so we need to calculate the effective depth, so effective depth will be overall depth diya hua hai dekho 130 mm minus clear cover 20 mm diya hua hai minus 5/2, so 105 mm, so यहाँ पे एक्स मैक्स की जगह पे 0.46 इंटू 105 इंटू बी स्लैब के लिए कर रहे हैं, सो 1000 mm डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 500, सो दैट विल यूनिट mm स्क्वायर, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू विल कम एज 999.3 mm स्क्वायर, so by this way you can calculate the balance percentage balance steel, or if they want balance percentage of steel just do ast by bd into 100, so you will get the balance percentage of steel, same as single reinforced beam, but here b 1 meter b you have to consider 1 meter of width, okay, so now move to next question, here the design moment of a slab, okay, the design moment is given, mu is equals to 15 kilonewton meter, the concrete grade is M25, so write it down, FCK is equals to 25 newton per mm square, FY is also given 500 newton per mm square, the effective depth, okay, effective depth is given 86 mm,
diameter of bar is given 8 mm. Now they asked, according to LSM, what will be the required area of steel, the actual area of steel. Now how we can calculate the area of steel? Single reinforced beam जब हम लोग design कर रहे थे तब तीन formulas बताए थे कैसे निकाल सकते हैं, using the code formula 96 under reinforced section. दूसरा AST, उसी formula से हम लोग second formula से हम लोग करेंगे अभी. AST is equal to 0.5 FCK by FY 1 minus under root of 1 minus 4.6 MU by FCK BD square bracket B into D. That was the formula. So I told you कि इसे remember, इसे याद कर लो ताकि जब क्वेश्चन पूछेगा एक्चुअल एस टी निकालने के लिए तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को बिठाना तो आसानी से आंसर आ जाएगा. तो पुट ऑल दिस वैल्यूज, 0.5 एफ सी के है 25 एफ वाई 500 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू 15 किलो न्यूटन मीटर. सो 15 इंटू 10^6 न्यूटन एम एम किया डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन एम एम, क्योंकि बाकी सारा वैल्यूज एमएम में बिठा रहे और एफसीके का वैल्यू 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है. इनटू बी, बी कितना लेंगे 1000, इनटू डी 86 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बी 1000 इनटू 86 एमएम स्क्वायर. सो इफ यू सॉल्व इट, सो ये पूरा बाहर वाला जितना भी है उसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 2150 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेकेट में 1 माइनस अंडर रूट वाला पोर्शन को सॉल्व करोगे तो मिलेगा नियर अबाउट 0.7917 एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 447.845 mm². सो नाउ यू नो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल एएसटी, द बैलेंस एएसटी एंड द मिनिमम एएसटी. तो मिनिमम एएसटी नेक्स्ट प्रॉब्लम में है. ओके, सो द ओवरऑल थिकनेस ऑफ स्लैब इज गिवन 150 mm एंड द यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इज ऑल्सो गिवन 250 kN/m³. सो व्हाट विल बी द सेल्फ वेट ऑफ स्लैब पूछा है. सो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ एनी आरसीसी मेंबर क्या जानते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट. अभी हमें किस यूनिट में चाहिए वो देखना होगा. तो स्लैब के लिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है तो सेल्फ वेट हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेल्फ वेट इज इक्वल्स टू पहले ओवरऑल थिकनेस ऑफ द स्लैब कितना है 150 mm, ये मीटर में है तो इसे मीटर में कर लो 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 25. यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अभी अगर हम लोग 1 मीटर ऑफ विड्थ के लिए लेंगे तो मल्टीप्लाई करो 1 तो किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा. तो कितना आ रहा है सेल्फ वेट का वैल्यू 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 25, सो दैट कम्स एज 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे दे सकता है वो लोग, यहाँ पे ओवरऑल थिकनेस बोल दिया है, वो लोग क्या करेगा इफेक्टिव डेप्थ बोलेगा, क्लियर कवर बोल देगा और डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बोल देगा. नाउ पूछेगा व्हाट विल बी द सेल्फ वेट ऑफ स्लैब. उस टाइप ऑफ एक प्रॉब्लम कर लेते हम लोग. सो अभी देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब बोला है. इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 150 mm. ओके, क्लियर कवर दे दिया है 20 mm, डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट भी बोल दिया है 10 mm और यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट दिया हुआ है 25 kN/m³. नाउ अभी अगर हम लोगों को सेल्फ वेट निकालना है, सेल्फ वेट क्या होता है ओवरऑल डेप्थ के साथ, ऑलवेज ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो ओवरऑल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई विथ मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट. तो सेल्फ वेट निकालने के लिए हम लोगों को डी चाहिए होगा, डी मल्टीप्लाइड बाई गामा तो आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. तो पहले ओवरऑल डेप्थ डी निकाल लो. सो डी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी, द इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस
5/2। तो इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू दिया हुआ है 150 mm प्लस क्लियर कवर 20 mm प्लस 10 mm का बार है 10/2 mm। तो कितना आ रहा है 175 mm, 4.375 तो 0.175 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, यूनिट को हमेशा ध्यान रखना। तो डी की जगह पे 0.175 मल्टीप्लाइड बाय 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। हाउ मच इज कमिंग लेसन सर? 4.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा डेटा को इधर उधर करके गलत कहाँ पे कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इफेक्टिव डेप्थ के साथ, तो आंसर गलत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते, चलो इस क्वेश्चन में पूछा है द ओवरऑल थिकनेस ऑफ ए स्लैब इज 130 mm, क्लियर कवर 20 mm, स्टील Fe 415 एज पर IS 456, व्हाट विल बी द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। सो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील एज पर IS 456 फॉर Fe 415 स्टील और HYSD बार, द मिनिमम रेनफोर्समेंट एज पर IS 456 इज इक्वल्स टू 0.12% ऑफ BD। नाउ B 1 मीटर, सो 1000 mm, ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है 130 mm। ओके, नाउ अभी यहाँ पे वैल्यू बिठा दो बस, 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी 1000 इंटू डी 130 mm स्क्वायर, सो दैट विल कम्स एज आई थिंक 156 mm स्क्वायर पर मीटर विद, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बी देखो पर मीटर विद के लिए निकाल रहे हैं, 1 मीटर विद के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखना भी जरूरी है कि पर मीटर विद के लिए मिनिमम इतना लगेगा। तो टोटल ओवरऑल विद कितना होगा उसके हिसाब से कितना लगेगा हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पर मीटर विद और ऑलवेज पर मीटर विद के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ ना, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द डिजाइन मोमेंट, they have asked for the effective depth and what is given is the design moment. The question mein kya hua hai, the design moment in slab is 15 kilonewton meter, the grade of concrete diya hua hai M20, grade of steel Fe 500 and the clear cover is 20 mm and the dia of reinforcement 8 mm. Now pucha as per IS 456 2000 what will be the effective depth. Okay, so effective depth hum log as per IS 456 kaise nikalte hain, mu is equals to, we have formula for the balance section, mu limit, or better you can write 0.36 xu max by d, 1 minus 0.42 xu max by d, fck b d square. Now is sare cheez ka value agar tum log bithaoge to hum logo ko value mil jayega d ka, so d, aur isko pehle thoda sa simplify kar lete hain, xu max by d फॉर Fe 500 स्टील होता है 0.46। अभी अगर xu max by d का वैल्यू बिठाओगे तो mu का वैल्यू हो जाएगा 0.1333 fck b d स्क्वायर, इसको याद रखना होगा। फॉर Fe 415 स्टील a हो जाता है 0.138, राइट, और फॉर Fe 250 कितना होता है लक्ष्मण, D is equal to under root of mu by 0.133 into fck b d square. अब वैल्यू बिठाओ, अंडर रूट ऑफ mu का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 किलोन्यूटन मीटर, तो 15 इंटू 10 to the power 6, क्यों किया न्यूटन mm में किया, क्योंकि सबको न्यूटन और mm में बिठाएंगे हम लोग, 0.133 इंटू fck का कितना वैल्यू है, fck दिया हुआ है तुम्हारा
ट्वेंटी फाइव फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखो न्यूटन एमएम में है सब कुछ, 25 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ डी तो निकाल रहे हो, यहाँ पे डी डाल दिया बी। अब बी कितना लेंगे हम लोग स्लैब के लिए, 1 मीटर, कितना थाउजेंड एमएम, तो दैट विल कम्स एज 67.2 mm, हो गया, निकल गया इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू। तो ये याद रखो कि एक्स यू मैक्स बाई डी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो पूरा इक्वेशन बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, आइदर लिख सकते हो और यू कैन रिमेम्बर कि Fe415 के लिए होता है 0.138, Fe500 के लिए होता है 0.133, और Fe250 के लिए कितना होता है, 0. कितना होता है, 0.149। 149 इस चीज को लिख लो तुम लोग तो याद रहेगा कि एमयू लिमिट, इसे हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं, 0.138 एफसी के बी डी स्क्वायर, ये होता है फॉर Fe415 स्टील एंड 0.133 एफसी के बी डी स्क्वायर होता है फॉर Fe500 स्टील, और 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर होता है Fe250 स्टील। कुछ नहीं किया, क्या किया, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में एक्स मैक्स बाई डी हर एक ग्रेड ऑफ स्टील के लिए बिठाओ, वही कोएफिशिएंट का वैल्यू आएगा। और दिस वैल्यूज आर गिवन ऑन योर SP16 टेबल नंबर सी पेज नंबर 10, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, टेबल सी पेज नंबर 10 में दिया हुआ है, और इसे याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। और कुछ नहीं,